सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ हफ्ते मैं नहीं था अपने वर्क स्टेशन पे। इसका एक मेन रीजन था वो ये था कि मेरे भाई साहब के जो 3.5 साल का बच्चा है उसको नेफ्रिक सिंड्रोम नाम का एक बीमारी जो है हो गया है, और उसकी वजह से जो है किडनी से रिलेटेड ये समस्याएं होती हैं, और उसकी वजह से जो है हम जो है हॉस्पिटल में थे और वो हॉस्पिटलाइज था राइट दिल्ली में, और अभी हम जो है अपने वर्क स्टेशन पे वापस आ चुके हैं। सो इसके लिए दिल से सॉरी। और फिलहाल जो है आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक हैं जिनमें हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, यानी पोजिशनल व्यू, साथ ही साथ मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है एंड कौन सा सेक्टर तेजी का सौदा करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात बात करते हैं हम मार्केट के बारे में, और मार्केट का ओवरव्यू जाने के लिए हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम का सहारा लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फिलहाल जो है कुछ एक गैपिंग बीच में छूटा हुआ है जो कि 20,500 और 20,200 के 250 के आसपास है। खैर ये ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो है एक नया हाई जो है मार्केट बना के रखा है इस वीक, जो कि है 21,928 रुपये और 25 पैसे का राइट। और फिलहाल में जो है दोस्तों इसमें तेजी अभी भी बरकरार है। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि 22,000 जो कि इंपॉर्टेंट हर्डल है फिलहाल के लिए, तो 22,000 जो कि आप समझ सकते हैं 22K मैं लिख देता हूं, ये फिलहाल जो है अभी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में है, और मार्केट में एक नई तेजी मुझे देखने को मिल रही है 22,000 के ऊपर का। क्या मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स की 22,300 फिलहाल जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कैलकुलेशन के बिहाव पे फ्रेंड्स ये लेवल जो है अब मार्केट को टेस्ट करना होएगा। ओके एंड निकटतम जो सपोर्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सपोर्ट आपको क्लियर कट दिख रहा है अभी 21,736 है ना, 21,750 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। 800 का लेवल भी आ रहा है, तो 800-750 एक राउंड फिगर। तो रेजिस्टेंस कहां पे नजर आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेजिस्टेंस के रूप में। दो रेजिस्टेंस आपके पास है, एक है अपने पास 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर मार्केट इसके ऊपर होता है तो 22,300 एक बड़ी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो है फ्रेंड्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे पास कौन कौन सा आता है, एक आता है 21,800 राइट फिलहाल के हिसाब से ओके, एंड एक आता है 21,750 राइट। ये हमारे पास है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि निफ्टी के बिहाफ पे, मतलब निफ्टी के कैंडल स्टिक बोल सकते हैं टेक्निकली बिहाफ पे राइट। तो ये था फ्रेंड्स मार्केट का ओवरऑल व्यू। अभी फिलहाल मार्केट पॉजिटिव वे में काम कर रहा है ओके। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर बात कर ली जाए यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा बैंक निफ्टी। और आपको एक चीज क्लियर कट दिख रहा है फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेंज में जो है अभी काम करता हो, यानी एक सपोर्ट के, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 47,700 के आसपास आपको दिख रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है राइट। रेजिस्टेंस के रूप में फ्रेंड्स एक टॉप का अगर लेवल बात करेंगे तो 48,000 48,100 इंपॉर्टेंट लेवल है राइट। तो ये लेवल है, टूटना आसानी है क्योंकि एक रेंज में काम करता हुआ ये बैंक निफ्टी हमें देखने को मिल रहा है राइट। और कैंडल्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो नीचे से प्रेशर अभी भी बरकरार है, और जब तक ये लेवल जो है फ्रेंड्स 48,300 से के ऊपर जो है 300 के ऊपर एक प्रॉपर वे में क्लोजिंग नहीं होगी जो कि हो जाएगी, इतना कोई बड़ी बात नहीं है राइट। तो इसमें मुझे एक रेंज वाला लेवल दिख रहा है जो कि 48,700 और ओवरऑल 48,000 48,100 202.3 पॉइंट आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे ओके। तो ये था बैंक निफ्टी में, निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है अगर मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अगर बैंक निफ्टी से कंपैरिजन की जाए तो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे यहाँ पे सेक्टोरियल वाइज। सो देखिएगा सेक्टोरियल वाइज क्या हो रहा है, ऑटो सेक्टर ऑलरेडी तेजी में है, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूं ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा जो तेजी मुझे दिखा था वो था रियलिटी सेक्टर, जिसमें हमने आपको ब्रिगेड भी दिया था, बहुत सारे स्टॉक दिए थे रियलिटी सेक्टर से ओके। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो तेजी में दिखा रहा है वो कमोडिटी मार्केट, एक अच्छा रिजेक्शन डाउन टू अर्थ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कंजप्शन देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पे देखते जाइए, ये सारे स्ट्रॉन्ग है
एनर्जी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंस सर्विस, देखिए फाइनेंस सर्विस जो है फ्रेंड्स एज इट इज जैसा बैंक निफ्टी कर रहा है एज इट इज कर रहा है भाई, बिकॉज ऑफ की ये दोनों के दोनों का आपस रिलेशन है, फाइनेंस बैंक से ही रिलेटेड होता है, ठीक है ना, बैंक ही फाइनेंस करती है। ओके दूसरा देख ले फ्रेंड्स एफएमसीजी एक बढ़िया सा करेक्शन आ रहा है, लेकिन सौदा इसका भी तेजी का ही है। ओके और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा तेजी है, आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं दोस्तों, आईटी सेक्टर में जो तेजी की बात आ रही थी आपको याद हो कि मैंने इस लेवल पे जो ये लेवल था फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये जोन पे कि प्राइस जो है ये वाला जो लेवल है आप देख रहे हैं इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को ध्वस्त करना, ये रिटेस्टिंग है और यहाँ से प्राइस जो है सीधा सीधा मोमेंटम करेगा और आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा तेजी हमें हर जगह देखने को मिल रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फिलहाल मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर में फ्रेंड्स आग लगी पड़ी है इस बात का ध्यान रहे, तो एक स्टॉक जो है मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। ओके और उसके बाद है फ्रेंड्स निफ्टी फार्मा, ठीक ठाक है ये भी अच्छा चल रहा है और पीएसयू ठीक है। अच्छा बैंक में देखिए तेजी है, बैंक का और फाइनेंस का आपने रिलेशन समझाना, आप बैंक और फाइनेंस लगभग रेंज में है ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पे अगर आप पीएसयू को देखेंगे तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्गनेस दिखाने की कोशिश कर रहा, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू को ज्यादा महत्व आप दीजिए, अच्छा है। रियलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक बन गया, अभी सेक्टर बन गया है, राइट। और ये है दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सर्विस सेक्टर जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ये था सेक्टोरियल बात, आप देख सकते हैं कि कोई भी सेक्टर जो है इसमें अभी अपने को बेयरिश साइड नहीं दिखा रहा है, हाँ थोड़ा सा ऊपर से बिकवाली होगी जैसे एफएमसीजी में आप देख रहे हैं, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं फ्रेंड्स अब स्टॉक के बारे में, आप देखते हैं कि कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हम ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है अजमेरा रियलिटी, जो कि आप समझ चुके होंगे किस सेक्टर से है, जी हाँ ये है रियलिटी सेक्टर से। दोस्तों इसका जो लास्ट टाइम हाईस बना था वो बना था 486 और अभी जो प्राइस है वो 500 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होता है, एक राउंड फिगर 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेरी खरीदारी होगी वो 500 से 477 के आसपास यानी ये रेंज के बीच में होगी, कहाँ पे कंफर्मेशन देता है अगर मैं 509 के पास खरीदारी करूं तो कुछ क्वांटिटीज को 477 वाले लेवल पे आने पे एवरेजिंग करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों एक बढ़िया सा तेजी मुझे देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक आप देख सकते हैं कि जो एक हाईस बना था दोस्तों वो बना था 31 जनवरी 2022, ये लेवल को तोड़ने में इसको अप्रॉक्स समझिए समझिए 3 नवंबर से जो है 20 नवंबर से लेके और 1 जनवरी का जो वीकली टाइम फ्रेम है इसको इतना टाइम लगा, यानी अप्रोक्स अप्रोक्स कह सकते हैं आप 2 महीने का टाइम लग गया इसे ब्रेक करने में, राइट। और एक ब्रेक जो है यहाँ पे होता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल 509 का हाई है फ्रेंड्स जो कि क्लोजिंग यहाँ पे है। ओके तो ये प्राइस पे फ्रेंड्स हमें इस लेवल के आसपास 477 के आसपास मिल जाए तो सबसे बेटर है, अदरवाइज हम यहाँ से जो है एक ऑन एन एवरेज जो है 509 पे खरीदारी कर सकते हैं अगर यहाँ से तेजी हुई तो, और दूसरा क्या 477 और 454 के रेंज के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे, यानी यहाँ पर हम 60% क्वांटिटी को ही खरीदारी करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना तेजी से वो ड्रॉप डाउन होगा, थोड़ा सा 2-3% का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज कोई बात नहीं, राइट। स्टॉप लॉस के लिहाज से दोस्तों जो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मुझे दिखता है वो देखिए अगर आप हम यहाँ पे भी खरीदारी करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से अपने को 13% 14% यानी 72 रुपीज का रिस्क है पर क्वांटिटीज का, और टारगेट के लिहाज से दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आता है ऑन एन एवरेज 52 यानी 253 रुपीज, 253 रुपए का भाव दोस्तों यहाँ से हमारा टारगेट होगा, यानी 253 के भाव के हिसाब से अगर बोल सकते हैं हम दोस्तों तो 740 का जो लेवल है फ्रेंड्स वो हमारा टारगेट होगा, 740 का लेवल क्या होगा हमारा टारगेट होगा, तो ये बात का ध्यान रहे। ओके तो एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा अजमेरा में। दूसरा स्टॉक देखते हैं दोस्तों, दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स इंडिया निप्पॉन, बहुत शानदार स्टॉक है और इस स्टॉक की बात की जाए फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने 23 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट टाइम जो है एक हाइस बनाने की कोशिश करी थी और प्राइस ने फिर से अगेन उसको हिट किया था 24 जनवरी 2022, सोचिए 17 हुआ और फिर 24 है ना 22 तो हो गया आपका 18 19 20 21 22, लगभग 5 साल है ना 4.5-5 साल बाद फिर से गया और फेल्ड हो गया। इस बार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोजिंग हुआ था इसका वो था अपना 609.05 रुपए, ये प्राइस ने हाईस बनाया था और ये था 500 617.70 रुपए और क्लोजिंग इसका नीचे था,
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका क्लोजिंग यहाँ पे 45 पैसा ऊपर इसने क्लोजिंग करा है, 609 रुपए 50 पैसे। लेकिन अगर हम इस बात को कहें फ्रेंड्स, तो इसका जो हाई है वो है 615 रुपए, तो 616 रुपए के ऊपर फ्रेंड्स, 15 के ऊपर यानी 16 17 18 इस वाले रेंज पे हमारी खरीदारी डेफिनेटली बनती है, और काफी स्ट्रांग लेवल है ये, है ना। तो इस स्टॉक पे फ्रेंड्स हमारी नजर हो सकती है, और अगर रिस्क के अकॉर्डिंग बात की जाए दोस्तों, तो वही 15% का अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे रिस्क हमारा देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं जल्दीबाजी में या जबरदस्ती का छोटा रिस्क जो है नहीं बना सकता, जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम, राइट। टारगेट के हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो यहां से इस लेवल के अकॉर्डिंग, सो देखिएगा कि वेट अ मिनट, ओके, यहां से एक बेहतरीन हमें रेंज देखने को मिल रहा है, विच इज 455, ओके। तो 455 रुपए का जो लेवल है हमारा, राइट, तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ दोस्तों, 1000 1050 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। 5 10 रुपए ऊपर नीचे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो एक बेहतरीन सौदा। याद रखिए, इंडिया निपुण जो है फ्रेंड्स, ये ऑटो सेक्टर से आता है, और ऑटो सेक्टर आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि ऑटो सेक्टर कितना तेजी का सौदा अभी कर रहा है, ओके। तो रिस्क आपने देख लिया, रिवॉर्ड देख लिया, रिस्क से काफी अच्छा रिवॉर्ड है। सो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा हम अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, यानी 100 रुपए सहने की अगर क्षमता है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी तय करें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से, वो है संघी इंडस्ट्री। काफी अच्छा एक फ्रेश ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की हाइस बना था इसका दिसंबर 2017 में, और फिलहाल जो है इस लेवल को तोड़ने में इसको थोड़ा कोशिश कर, और फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक बढ़िया सा जो है स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्लोजिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लोजिंग है इसका 142 रुपए 90 पैसा, और हाइज भी है 142 रुपए 90 पैसा, यानी ऊपर से हमें एक भी डंडी देखने को नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा क्या रिस्क और रिवॉर्ड बनता है। तो फ्रेंड्स सीएमपी पे ही खरीदारी होगी 142 रुपए 90 पैसे के पास, ओके। स्टॉप लॉस जो आएगा दोस्तों वो आएगा 18 रुपए का, 16.90% यानी 17%, तो 18 रुपए नीचे यानी 142 143 में से 18 माइनस कीजिए, जो आएगा वो आपका एसएल हो जाएगा। टारगेट क्लियर से दोस्तों, एक छोटा सा टारगेट ही यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, वो है एट द प्राइस ऑफ दिस लेवल एंड विच इज 90% अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। सो देखिएगा 90%, इट मींस 265 68, सो दिस इज द टारगेट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टारगेट और रिवॉर्ड में, यानी रिस्क और रिवॉर्ड में आपका जो फर्क है वो कितना बढ़िया है। अगर मैं 20% भी कहूं, है ना, तो 20 40 60 80, 4 गुना यानी 1:4 तो आराम से हो जाएगा अगर ये टारगेट हमारा डन करता है तो। खैर आगे स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे पास है, वो है गुजरात गैस। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है, और एक राउंड फिगर राउंड हो रहा है, टर्न अराउंड हमें चीजें देखने को मिल रही है। प्राइस डाउन टुवर्ड्स आ रहा था, यहाँ से टर्न अराउंड आप जाके देख सकते हैं, ऑयल एंड गैस में तेजी का सौदा है। सो फिलहाल यहाँ पे टारगेट, सबसे पहले एंट्री फ्रेंड्स हमारी जो होगी वो सीएमपी पे होगी, काफी अच्छा है, 514 के आसपास मिले तो काफी बेटर है ना। फिलहाल जो अगर इसका जो है स्टॉप लॉस की बात की जाए फ्रेंड्स रिस्क के बारे में, तो देखिए हमारा जो रिस्क आएगा अप्रोक्सीमेट 10% डाउनसाइड यानी 55 रुपए का, और टारगेट के लिए से दोस्तों एक छोटा सा यहाँ से एक रिस्क आएगा वो कि 22 है, तो आप देख सकते हैं कि 10 2 20 1:2 का आसपास है ना, और 22% इट मीन 628 630। खैर अगर टेक्निकली भी आप पे बात किया दोस्तों, तो 695 का लेवल इंपॉर्टेंट है इसका, 695 700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो रिस्क रिवॉर्ड, पहला टारगेट 600, दूसरा टारगेट 700, तीसरा टारगेट आप स्टॉप को रख सकते हैं जो कि है अप्रोक्स अप्रोक्स 733 40 का, है ना। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर आप इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये आपको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, ओके। लेकिन मैं टेक्निकली भी आप पे ज्यादा अच्छा, तो ट्रेंड लाइन कम ही ड्रॉ करता हूँ ऐसे, है ना। तो ये था फ्रेंड्स गुजरात गैस का। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे पास, वो है डीबी रियलिटी। काफी शानदार स्टॉक है, काफी बेहतरीन जो है, इसमें भी सबसे बढ़िया बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी हाइस को फोकस कीजिएगा, 222 पैसठ, और क्लोजिंग 222 पैसठ का, यानी सेलर इसमें ना के बराबर है। देखिए कैंडल में सेलर बायर दोनों होते हैं, लेकिन टॉप से जो प्रेशर है वो ना के बराबर है, ओके।
ये बात है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक हर्डल था जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश किया, पहले हुआ जरूर था लेकिन ये वीक वीक खींचे जा रहा था और अभी वीक के आसपास ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी सीएमपी पे ही 222 रुपए 65 पैसे 323 रुपए के आसपास जो है हमारी खरीदारी होगी और अप्रोक्स 13% डाउन टुवर्ड जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, इट मीन 190 के आसपास। और टारगेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स सबसे पहला टारगेट तो मैं यहां से एक टेक्निकली बिहाफ पे जो है मेजर करने की कोशिश करता हूं, विच इज हियर 96%। ओके सो 96% इट मींस 324 325 अदरवाइज फ्रेंड्स जो आपका टारगेट होगा विच इज हियर 355 355 रुपए का लेवल फ्रेंड्स हमारा इस बीच में। और आपको एक चीज और मैं बताता चलूं कि इस बीच में आप देखेंगे कि कोई भी हमें बीच में हर्डल देखने को नहीं मिल रहा है, केवल एक यहाँ पे है 248 250 के आसपास ये लेवल टूटा तो 100 पॉइंट का सीधा रैली अपने को देखने को मिलेगा। ओके तो ये फ्रेंड्स हमारे पास डीबी रियल्टी। चले नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, वो कौन सा है? वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एम्स लिमिटेड। ओ एक बेहतरीन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ हमें नजर आ रहा है स्टॉक में, और 498 यानी 500 का लेवल टूटने देना है। 500 का लेवल से पहले कोई खरीदारी नहीं बनती है, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं आपको, क्योंकि इसका हाइस कहीं ना कहीं इसका 501 का है, तो इस हाइस के ऊपर ही हमें खरीदारी करनी है। ओके एंड हाइस से ऊपर अगर है फ्रेंड्स तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ से अप्रोक्स 7% का रखना है, 7 से 8% मतलब 40 रुपए 40 रुपए डाउन टूवर्ड्स हमारे स्टॉप लॉस होगा। ओके एंड टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो ये रेंज पूरा हम यहाँ से मेजर कर लेंगे और कुछ 38% यानी दिस वन। ओके ये टॉप 680 रुपए का फ्रेंड्स हमारा यहां से टारगेट हो जाएगा, सो दिस वन 680 रुपए हमारा टारगेट हो जाएगा, है ना। पहला टारगेट वैसे 565 है टेक्निकली यहाँ पे, और नॉर्मली तौर पे जो हमारा रेंज टुवर्ड्स भारतीय रेंज रेंज के अकॉर्डिंग तो ये बनता है आपका 680। फिलहाल कुछ स्टॉक और है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आया तो डेफिनेटली इस पे काम कीजिएगा। ये स्टॉक है फ्रेंड्स क्विक हिल, आईटी सेक्टर में तूफान मचा हुआ है। अच्छा छोटा सा एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एफसीएफ सॉफ्ट, 4 रुपए का स्टॉक है, उस स्टॉक को भी मैंने फोकस करा है। टेक्निकली तो ठीक है ना, और फंडामेंटली आप चेक कर लीजिएगा, चूंकि है ना वो स्टॉक में ऑलरेडी मेरा है पहले से 3 रुपए समथिंग 3 रुपए समथिंग के भाव पे नीचे साइड है, ज्यादा नहीं है, 2 में लिया हुआ है तो कुछ 2600 क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं है मेरे पास, कम में है क्योंकि छोटा स्टॉक है, तो 2600 कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे जो है एक बढ़िया सा जो है यहाँ पे एक रेंज हमें देखने को मिल रहा है, 557 का पहला ही टारगेट है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी बेहतरीन कुछ स्टॉक, 5-6 स्टॉक जिसमें मुझे बेहतरीन सौदा देखने को मिल रहा है। अब आप मैं अपनी बात करूं कि इन सारे देखिए ये जो भी मैंने आपको स्टॉक दिखाया ये केवल और केवल मेरी एनालिसिस थी, किस सेक्टर में किस किस इंडस्ट्री में तेजी है, किस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है इंडस्ट्री के साथ साथ, चूंकि तो इस चीज को हमें ध्यान में रख के जो ट्रेड करना होगा, है ना। और इन सारे स्टॉक में से अगर मुझे आप पूछो कि मेरा पसंदीदा कौन होगा, तो वो स्टॉक होंगे जिनमें ऊपर से प्रेशर यानी डीबी रियलिटी आपको सबसे पहला स्टॉक जो है मुझे देखने को मिल रहा है, और रियल एस्टेट में काफी तेजी है तो यही स्टॉक जो है काफी तूफान मचा सकता है, और चूंकि ऊपर का रेंज मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, रिस्क से अच्छा रिवॉर्ड है इसमें, सो इस बात का ध्यान रहे। तो एक डिस्क्लेमर यही है फ्रेंड्स कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी इंट्राडे या पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले, साथ ही साथ खुद भी एनालिसिस जरूर कर ले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा सा भी आप को कुछ समझ में आए, टेक्निकली समझ में आना स्टार्ट हो गया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों एक नई वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।